अब लग रही क्रिसमस क्रिसमस। Hey guys, good morning, welcome back to our channel. फिर से एक नया वीडियो के साथ सबको स्वागत है। और सुबह बजे है 10 और आज है सैटरडे, आज मेरी ड्राइंग क्लास है। और जब मेरे आंखें खुली सुबह तब से सुन रही हूँ बच्चों की कहलकारी। बच्चे लोग सब खेल रहे हैं, सब क्रिसमस की छुट्टी है शायद, इसलिए सब खेल रहे हैं सब लेकर के सब। सो मम्मी को बोले, मम्मी बोल रहे हैं शायद क्रिसमस है इसलिए छुट्टी है। सो अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मैं ड्राइंग क्लास के लिए भी जाना है सब, उससे बीच सब मैं बनाऊंगी खाना, लंच की तैयारी करूंगी। और आज बहुत सारे काम है, उसमें है तन्मय और भैया जाएंगी केक की जो मसला है ड्राई फ्रूट वगैरह वो लेने। तो घर में आज अब घर में कोई भी काम नहीं है मेरे, सबके घर साफ हो गए, मेरे घर पस रह गए थे, अब तक मैं नहीं कर पाई तबीयत खराब होने के कारण। थोड़ी थोड़ी ना करने होंगे क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, ये बनाओ वो बनाओ, और क्रिसमस के टाइम हम लोगों के पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो दो तीन दिनों में वो काम निपटाना है। तो चलो पहले भंड को खाना दे देते हैं, उसके बाद हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद तो लंच की तैयारी। रूटीन में हर दिन एक ही रूटीन चल रही है, अब लग रहे हैं बाहर से कहीं से भी घूम आओ। सो चलो पहले खाना खा लेते हैं। सो इधर बना रहे हूँ भंटू के लिए मैगी, और इधर बन रही है हम दोनों के लिए चाय। भंटू ने पापा जी से 1 रुपए का नोट लेके आए, देखो बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ, आके बोले मम्मी देखो 1 रुपए के नोट। आपको अच्छे लगे नोट? पहली बार देख रहे हो नोट, 1 रुपए के नोट? हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हाँ दादू के पास भी है, दीदुन के दादू के पास भी है, बड़े मामा के पास भी है 1 रुपए के नोट, बहुत सारे है 1 रुपए के नोट। हाँ ये तो छोटे वाले है, और एक नोट थे एक शायद एक या दो पता नहीं, भालू दीदी उसके घर में जा रहा हूँ, वो बहुत सारे नोट कलेक्ट करके रखे है, बहुत सारे नोट भालू दीदी के पास है। हाँ देख, नहीं नहीं वो ओरिजिनल नोट है, मैं तो उसे खेलती थी, पर वो ओरिजिनल है। आप जब जाओगे भालू दीदी को पूछना, भालू दीदी से जो भालू दीदी ये असली है या डुप्लीकेट है बोलिए। बहुत सारे है, बहुत सारे है, रियली है बहुत सारे। दीदुन के घर भी है, दीदुन के घर, बड़े मामा के घर, भालू दीदी के घर भी है। ओके चलो घर पे जाओ, बिस्तर साफ कर जाओ। और आज खाने में बनाए बैंगन पोड़ा, ये ना बंगालन लोग के ना ये फेवरेट है, बैंगन पोड़ा, पूरी हुई बैंगन जो माखा होते हैं ना, ऑसम। और इधर बनाए और जो कच्चे कल है उसका मैं कढ़ी बना रही हूँ, और बन रहा है उसके साथ ज़बरदस्त मसाला अंडा फ्राई। बस ये है घर की हालत। अब मैं जाऊंगी ड्राइंग क्लास के लिए, और ये भंटू रानी को मैं जाऊंगी इसको देने ट्यूशन में, और तन्मय और पापा गई है मार्केट। सो चलो चलते हैं। सेट नहीं आनी है जी, ফ্রাইডে সিলেবাসটা তুমি নিয়ে নিয়েছো। কালকে যাওয়ার কথা ছিল বাট तीसो अब जा चुकी है पढ़ने, उसको देखे अब मैं जाऊंगी ड्राइंग क्लास के लिए।
এইখানটাতে করবে না, এটা এই ভাল লাগছে, এই লেন্সটাই ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই এই সাইডটাও ঠিক আছে, এইখানটা একদম, এইগুলো একদম হালকা লাইট করবে, ওপরটা ডার্ক করেছো করেছো, এখানটা হালকা লাইট করবে, আবার গাছগুলোকেও করে দিও না। अभी ड्राइंग क्लास ख़त्म करके आई हूँ, अब जा रही हूँ खंडू को लेने ट्यूशन से। अरे फंटू को लाने, फंटू की छुट्टी हो गई है। चलिए मिस पेंगुइन, मिस पेंगुइन तीसो जादू पर जादू जादू घंटी जा घंटू को इतना ठंड लग रहा है, वो जैक हाई नेक पहनी है, उसकी जैकेट पहनी है, उसके ऊपर मेरी जैकेट पहनी है ना मंटू? अब मैं हिलता हिलता आपको देखूँ ना, अब लग रही क्रिसमस क्रिसमस। वो ट्यूशन से आने के बाद भंटू को लेके सब लोग हंस रहे थे, मम्मी पापा वो सब हंस रहे थे, उसकी तस्वीरें ले रहे थे, जो ये क्या लग रहा है भंटू को, क्या पहना दिया, क्या लग रहा है वो, इसलिए हम सब लोग मिलके इधर हंस रहे थे, मम्मी थे पापा थे सब पिक्चरें ले रहे थे, और पापा के जो नया फ़ोन वो तो डिलीवरी हो चुकी है, वो आ गए, इसलिए मैं पापा की फ़ोन चेक कर रही थी कैसे कैमरा है क्या है। हंसी मजाक करते करते बहुत रात हो चुकी है, अब हम लोग खाना खा रहे हैं। भंटू बढ़िया, मैडम खाने में बेस्ट है। डिनर कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से गुंडा के पूछ रही थी, गुंडा तुम कैसे खाए डिनर कैसे था, वो बोल रहे मैं खाने के बाद हिल नहीं सकती, पर अभी भी मुझे खाना दे तो मैं अभी भी खा लूँगी, मुझे लगता मैं पूछ के गलती कर दी। रुको जरा सबर करो, तरह की उठा पेट ना इंडियर गेट, इंडियर गेट एकदम। अब ऊपर से मम्मी के ऊपर से ही मैं नहीं सर, घर के सारे लोग खाना खा के अब आई हूँ नीचे, और नीचे आके देखो ये हालात है, मुझे याद ही नहीं था जो मैं घर में घर से निकलते वक्त ये सब करके गए थे, अब इसको सॉर्ट आउट करूंगी उसके बाद सोऊंगी। सच में इतना गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, खुद क्या बताओ, अब लग रहा है खुद के बाल खुद ही नोच लूं, ये सब को मैं अब उतारूंगी साफ करूंगी फिर से इसको सॉर्ट आउट करूंगी, और इसमें सारे सब टिशू के बंटू के ड्रेस है और तन्मय के थोड़ी बहुत है, मेरे तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो ऊपर से ही डिनर करके आए थे, पर घर पे आके मैं सब सॉर्ट आउट किए सब समेट लिए, उसके बाद अब हम लोग फ्रेश होके आए, उसके बाद हम लोग सोएंगे, बहुत नींद आ रही है और रात के 1 बजने वाली है। अब मैं करूँगी वीडियो को एडिट, उसके बाद सो जाएंगे, तन्मय तो सो गए बस वो बहुत टायर्ड है, सो अब भंटू भी अभी तक नहीं सोई है, महारानी इधर है, अब हम लोग सोएंगे, आज के लिए ब्लॉग को करते हैं एक पेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।